नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिहार में छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है। वो भी क्यों? क्योंकि वो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी नौकरी मांगने की लड़ाई कर रहे हैं, वो भी एग्ज़ाम देने के बाद। इस तरह से लगातार, चाहे वो BSSC के हो, SSC के हो, या दरोगा अभ्यर्थी हो, या STET, हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से उन तमाम अभ्यर्थियों से ही बात करा रहे हैं, उनके दर्दों को भी सुना जा रहा है। क्या आखिर क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है अभ्यर्थियों को? देखिए, न्याय इसलिए नहीं मिल पा रहा है, बहुत मामलों में न्याय मिला भी है, हम लोगों ने आंदोलन किया है तो बहुत बार हम लोग को न्याय मिला भी है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं मिला है, लेकिन बहुत मामलों में न्याय नहीं भी मिला, ये बात आपका सही है। तो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार युवाओं के मुद्दे को एकदम दरकिनार कर देना चाहती है, और नेताएं लोग भी, जो जितने भी नेता लोग हैं वो लोग भी युवाओं के मुद्दे को एकदम गौण करके रखना चाहते हैं। सिर्फ चुनाव के समय युवाओं का मुद्दा उठाते हैं, चुनाव खत्म होते हैं युवाओं को भूल जाते हैं। अभी देखिए, जिस तरह से दरोगा बहाली में खुलेआम धांधली हुई, गुंडागर्दी हुई, बिहार सिपाही बहाली में जिस तरह से देखिए धांधली हुई, 650 से ज़्यादा फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए, और अभी जो नया बहाली है उसमें 6 महीना हो गया, रिजल्ट नहीं आ रहा है। BSSC का देखिए 6-7 साल बीत चुका है, अभी तक रिजल्ट नहीं उसका आ रहा है। तो हर जगह युवाओं के साथ अन्याय और शोषण हो रहा है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, विपक्षी दल तो हमेशा लगातार आप लोग के मुद्दों को उठाते रही है। मुद्दा को हम कैसे समझे कि उठाती रही? सिर्फ एक लाइन बोल दे कि हाँ नीतीश कुमार युवाओं का ख्याल नहीं रख रही, युवाओं पर लाठियाँ चला रही, इससे नहीं होगा। मेरा कहना है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता युवाओं के साथ सही में खड़ी है, उनको सड़क पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ उतर के आंदोलन करना चाहिए। क्या आप बताइए, एक भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता सड़क पे उतर के दरोगा बहाली में धांधली के खिलाफ आंदोलन किए हैं? क्या BSSC प्रथम इंटर स्तरीय 7 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ, इसको लेके कोई भी बिहार का नेता या पॉलिटिकल पार्टी सड़क पे उतर के आंदोलन किया हो, कहीं धरना दिया हो? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ना पक्ष वाले लोग सपोर्ट करें, ना विपक्ष वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग को, तो आप लोग क्या करने वाले हैं अब? देखिए, हम लोग आज JP जयंती के अवसर पे, चूँकि इसी JP गोलंबर के पास हम लोगों ने बहुत बार आंदोलन किया है और लाठियां खाई है, जेल तक गए हैं, तो आज JP जयंती के अवसर पे हम लोग राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, जो बिहार के परीक्षार्थियों द्वारा बनाया गया है संगठन, बिहार के छात्र युवाओं के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, तो उस राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के बैनर तले 21 सदस्यीय वर्किंग कमेटी का गठन किया गया है, और उस वर्किंग कमेटी का काम ये रहेगा कि बिहार के सभी जिलों में जाके छात्रों को एकजुट करना है और छात्र हित के जुड़े सभी मुद्दों को लेकर, चाहे वो दरोगा बहाली में धांधली हो, सिपाही भर्ती में धांधली हो, या प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने की बात हो, यानी कि छात्र हित से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आगे बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। यानी कि अब, या प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने की बात हो, यानी कि छात्र हित से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आगे बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। यानी कि अब अभ्यर्थियों को और छात्रों को अब नेताओं के भरोसे नहीं रहना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेता हमारे साथ हैं कहाँ, कब साथ दे रहे हैं हमारे? हम 15 दिन तक जेल में रहे, कोई नेता तो हमारे लिए लड़ने नहीं आया, कोई नेता हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया, तो हम कैसे समझे? इतना सड़क पे आंदोलन होता है, लाठियां खाते हैं, कहाँ कोई नेता आता है? सिर्फ आ जाना, कभी कभी मीडिया में बोल देना, उससे नहीं होगा। मेरा कहना है कि आप सही में देखिए, हम अगर कोई नेता हमारे साथ होंगे तो हम उनका तारीफ भी करेंगे। हम जैसे संदीप सौरभ जी, हम जब जेल गए तो संदीप सौरभ जी ने हमारे लिए आवाज़ उठाई थी, जो विधायक है पालीगंज के, कि दिलीप कुमार को रिहा किया जाना चाहिए, तो हम उनके बारे में बोलते हैं। BSSC का भी मुद्दा हुआ तो वो लोग आंदोलन में आए और BSSC ऑफिस भी संदीप सौरभ जी गए, लेकिन बाकी जो लोग भी आए वो लोग बस आए, कुछ किए नहीं। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पे जो अभ्यर्थी लोग हैं वो भविष्य को लेकर चिंता में है कि हमारा भविष्य क्या होगा, क्योंकि नेताओं पर भविष्य नहीं टिका हुआ है, जैसा कि इन्होंने अभी कहा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ये लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं अपना अपना संगठन बनाकर पूरे बिहार को छात्रों के लिए बना रहे हैं, ताकि उन छात्रों को कभी दर दर भटकना ना पड़े। तब देखने वाली बात यह होती है कि कल के डेट में जब इनका छात्र संगठन जो बनता है, उसके बाद क्या कुछ सरकार के खिलाफ योजना होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई खबर छूट न पाए।